देखिए दोस्तों, लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसपे किस पे आधारित है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर आधारित है। यानी आपसे पूछ रहे ये क्वेश्चन आता रहता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी लर्निंग किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। देखो तो इसने लॉ ऑफ लर्निंग के तीन मेन उद्देश्य बताए, तीन मेन नियम बताए थे। पहला है लॉ ऑफ रेडनेस, यानी तत्परता का नियम। हिंदी में क्या बोलेंगे, तत्परता का नियम। इसको बोलेंगे अपन ये मेंटल प्रिपरेशन ऑफ द एक्शन। ये मतलब मेंटल रूप से व्यक्ति को क्या करता है, किसी चीज के लिए, कार्य के लिए तैयार करता है। तो वो क्या, कौन सा नियम कराएगा, रेडनेस। तो इसमें देखिए, नो अमाउंट ऑफ द इफेक्ट कैन मेक द चाइल्ड लर्न। यदि बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए उत्सुक नहीं है, किसी चीज को सीखने के लिए उत्सुक नहीं है, तो इज नॉट टू लर्न, तो उसको उसको सिखाने तैयार नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू कैन लीड ए हॉर्स टू फॉन्ड, बट यू कैन नॉट मेक ए ड्रिंक वाटर अनलेस इन अनथर्स्टी। यदि एक प्यासा घोड़ा है, यदि उसको अपन किसी तालाब के नजदीक ले जाते हैं तो, लेकिन उसको वहां ले जा तो सकते हैं, लेकिन उसको अपन पानी पीने के लिए वहां पे उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि वो प्यासा है तो वो पी लेगा, यदि प्यासा नहीं है तो वो नहीं पिएगा। तो ये नियम किस पे आधारित था, रेडनेस, तत्परता पे नियम। तो देखो इसके तीन नियम थे, तीन मतलब स्टेज थी इसके, लो रेडनेस की तीन, कितनी स्टेज थी, तीन स्टेज थी। पहला है फॉर ए कंडक्टर यूनिटी रेडी, यदि किसी व्यक्ति किसी यूनिटी के प्रति रेडी है, टू कंडक्ट यानी उस व्यवहार के लिए, तो टू कंडक्ट इज सेटिस्फाइंग, तो उससे संतुष्ट है, उसको प्राप्त करने के लिए वो व्यवहार उसमें लालसा होनी चाहिए। ये पहले तो क्या है, यदि उसमें यूनिटी है रेडी किसी चीज को प्राप्त करने की, तो उसमें क्या होना चाहिए, कंडक्ट इन सेटिस्फाइंग, यानी वो अपने आप में क्या होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए। सेकंड, फॉर ए कंडक्टर्स एंड यूनिटी टू कंडक्ट, यदि वह व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करता है, तो नो टू कंडक्ट है एनओई, तो उसको हम नाराज नहीं कर सकते, उसको अपन नाराज नहीं कर सकते हैं, यानी उसको मना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, फॉर ए कंडक्शन यूनिटी टू नॉट रेडी, यदि किसी व्यक्ति किसी यूनिटी को प्राप्त करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अपन टू कंडक्ट इज एनोइंग, तो अपन उस व्यवहार के प्रति उसको नाराज की उसके व्यवहार में दर्शा नहीं सकते हैं। तो देखो तीनों में अंतर होगा, यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए कंडक्ट के लिए, यहाँ पे यूनिटी टू कंडक्ट, यदि उसमें सीखने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसको अपन नाराज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर ए कंडक्ट यूनिटी, लेकिन वो कंडक्ट यूनिटी में रेडी नहीं है, यहाँ पे नॉट रेडी यानी यूनिटी में रेडी नहीं है, तो उसके व्यवहार में भी अपन नाराजी, यानी उसके व्यवहार को भी अपन चेंजेबल नहीं कर सकते हैं। और सेकंड नंबर देखिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, यानी अभ्यास का नियम। टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिस्कस। तो लॉ ऑफ यूज में देखो, इसमें क्या होता है, एक कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स इन स्ट्रेंथ, बट द अक्यूरेंस इट द एक्सरसाइज ऑफ टू यूज। किसमें क्या होता है, एक कनेक्शन यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में अपन को एक्सरसाइज कराना आवश्यक होता है, तो यही क्या कहलाता है, यूज का नियम कहलाता है। सेकंड ऑप्शन, लॉ ऑफ डिस्कस ए मॉडिफिकेशन कनेक्शन इज नॉट मेड द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, इसको स्टिमुलस रेस्पॉन्स को अपन उस पर डाल यानी उड़ेल नहीं सकते, प्योरिंग नहीं कर सकते, तो यानी ये अपने आप में क्या होता है, डिस्कस होता है, यानी उसके ऊपर स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्शन के लिए उसमें जुड़ाव नहीं कर सकते। यह क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप को क्या करता है, लेंथ ऑफ द टाइम यानी अपने आप के समय के दौरान वो अपने आप को इससे जुड़ाव करता है। यानी इसके कितने हो गए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के टू हो गए, इसके कितने इफेक्ट है, टू इफेक्ट, यानी लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिस्कस। इसी प्रकार आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी लॉ प्रभाव का नियम। ये क्या होता है, इसको नथिंग सक्सेस लाइक इन सक्सेस, यानी किसी सफलता के बिना किसी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती है, यानी इफेक्ट तो उसको किसी चीज में करना ही पड़ता है। इसमें थॉर्नडाइक ने दिया था, ये रिवाइजेड, इसको दोबारा रिवाइज किया 1930 में किया था, इसी नियम को, लॉ ऑफ इफेक्ट को। देखो थॉर्नडाइक का आपका परिचय देखते हैं थोड़ा सा, ये 1870 में जन्म हुआ था और 1949 में मर गया था, और ये कौन था, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। तो थैंक यू।